हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि अपन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ रहे थे वुडवार्ड फीजर रूल। देखो, वुडवार्ड फीजर रूल क्यों पढ़ा जाता है, किसी भी अज्ञात कंपाउंड की लेमडा मैक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अपन वुडवार्ड फीजर रूल पढ़ते हैं। इस नियम के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस की आपके पास क्या होती है, पहले से वैल्यू डिसाइड होती है। उस डिसाइड वैल्यू को क्या करना होता है कि उसमें अगर आपके पास अज्ञात कंपाउंड दिया गया है, उसको अपने को ऐड करके जितनी भी आपके पास वेवलेंथ आती है या जिस तरीके भी आपके पास सिस्टम दिख रहे हैं उसके अंदर, तो उनकी वैल्यूज अपन क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। यही कर रहे थे, जैसे अपन ब्यूटाडाइन के ले रहे थे 217 nm अपने पास पीक प्राप्त होती है, तो वो फिक्स वैल्यू होती है, इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। या आपकी क्या है, प्रैक्टिकली वैल्यू है, प्रैक्टिकल के द्वारा डिसाइड किया है। पहले अपन ने क्या किया कि ब्यूटाडाइन लिया, नॉर्मल ब्यूटाडाइन की जब स्पेक्ट्रम लिया गया तो वो 217 nm पर उसकी पीक प्राप्त होती है। देखो, इस पेक में कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं, कुछ पॉइंट्स का वेरिएशन आ सकता है, वो डिपेंड करता है आपके सॉल्वेंट पर। अगर आपका सॉल्वेंट ऐसा हो कि वो वहाँ जिस पदार्थ की अपन ले रहे हैं उसके साथ रिएक्ट कर जाए, रिएक्ट करने के बाद में कुछ अलग कंपाउंड बनेगा, तब क्या होता है कि उसके अंदर क्या होते हैं, पीक चेंजेस हो जाते हैं। और यह हो सकता है कि वो सॉल्वेंट रिएक्ट ही ना करें, केवल उस आपके वो मीडियम प्रोवाइड करवा रहा हो। ओके, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके उस जो आपका क्या कंपाउंड लिया गया है उसकी पीक एकदम सही आएगी, है ना। जैसे कि अपन देखते हैं कि कोई सॉल्वेंट ऐसा होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है ना, तो वो उस तरीके के वेरिएशंस अलग प्रकार के होते हैं कि कई बार क्या होता है कि सॉल्वेंट भी वहाँ एक पीक शो करने लग जाता है, उसकी वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू में चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन आज अपन देखेंगे वुडवार्ड फीजर का दूसरा पॉइंट्स, यानी कि अपन ने वुडवार्ड फीजर रूल देख लिया था सिंपल आपके पास सिस्टम दिया गया उसके लिए। ओके, अब वुडवार्ड फीजर रूल देखने वाले इसके लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के लिए देखने वाले हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर अगर कार्बोनिल समूह प्रेजेंट हो, यानी कि आपके कह रहे हैं कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जिसके अंदर आपके इस तरीके से अगर कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है उसे अपन बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अब बात आती है कि अल्फा बीटा, यानी कि अल्फा बीटा कार्बन तो क्या प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ओके, तो ये हो गया आपके पास अल्फा बीटा। तो अनसैचुरेशन, या अनसैचुरेशन का मतलब होता है कि जिसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे अपन अनसैचुरेटेड कहते हैं। अब आपके अल्फा बीटा लगा दिया गया कि हो सकता है अल्फा बीटा के ऊपर अपने पास क्या हो, कोई भी सैचुरेशन पाया जाता हो, यानी कि पाई बॉन्ड पाया जाता हो, उसे अनसैचुरेशन कहते हैं। सैचुरेशन का मतलब होता है ओनली सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे सैचुरेशन कहा जाता है। ओके, तो कार्बोनिल बॉन्ड आपके इस तरीके से हो सकते हैं, या हो सकता है कि केटोन समूह हो, वो भी आपके क्या होगा, कार्बोनिल समूह में आएगा, या हो सकता है कि उसके अंदर क्या हो, एल्डिहाइड समूह, वो भी आपके कार्बोनिल समूह में ही आएगा, और या हो सकता है कि वो किस में हो, कार्बोक्सिलिक समूह प्रेजेंट हो, वो भी आपके किसी में आएगा, कार्बोनिल समूह में ही आता है। तो आपके इस तरीके से कार्बोनिल समूह कोई भी हो सकता है। अब आपको अलग अलग प्रकार के सिस्टम दिए होंगे, उस सिस्टम में आपको बताना है कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी। लेकिन ध्यान रखना, उस सिस्टम के आपके पास क्या होगा कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जरूर प्रेजेंट होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि अलग अलग सिस्टम के लिए, जैसे आपके मान लो 5 मेंबर ड्रिंक आ गई या 6 मेंबर ड्रिंक आ गई, तो उस कंडीशन में उसके अंदर जो बेस वैल्यू होगी, यानी कि जो फिक्स वैल्यू होगी, यानी कि उसके अंदर लैम्डा मैक्स की फिक्स वैल्यू वो आपके पास दी होगी, वो एक प्रैक्टिकली वैल्यूज है जो आपको याद रखनी होगी। ओके, तो अब देखने वाले हैं अपन अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब आपके सामने जो वैल्यूज लिखी गई है अल्फा बीटा अनसैचुरेशन के लिए, जैसे कि आपके पास मानो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू 215 पर आ रही है, यानी कि 215 वो किसके लिए आएगी, आपके एसाइक्लिक होगा, या तो कोई एसाइक्लिक अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगा ना, या आपका हो सकता है कि 6 मेंबर में प्रेजेंट हो, यानी कि रिंग में प्रेजेंट हो, है ना, तो वो भी आपका क्या हो सकता है, एसाइक्लिक या 6 मेंबर, यानी कि 6 मेंबर की रिंग प्रेजेंट हो, उसके अंदर आपके पास कार्बोनिक प्लस अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कार्बन हो, तो उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, 215 nm वैल्यू यूज़ करनी है। ओके, बेस वैल्यू क्या रहेगी, 215 nm ही रहेगी। नेक्स्ट, अगर 5 मेंबर ड्रिंक के अंदर प्रेजेंट है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेशन, तब उस कंडीशन में आपकी वैल्यू जाएगी 202 nm। ओके, 202 nm हो जाएगी। अगर आपके पास एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, वही जब अपन वुडवार्ड फीजर रूल देख रहे थे नॉर्मल कंपाउंड्स के लिए, यानी कि कॉन्जुगेशन में देख रहे थे, वहाँ भी आता है कि एक्सो बॉन्ड के लिए, एक्सो बॉन्ड का मतलब रिंग प्रेजेंट है,
इस रिंग के अगर कोई बाहर डॉट प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में अपने को 5 nm ऐड कर देना है, ओके। तो 5 nm अपने को क्या करना है, ऐड करना है। साथ में आता है कि डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन। अगर डबल बॉन्ड हो बहुत सारे, किसी भी आपके पास कोई कंपाउंड दिया गया है तो उसके अंदर अगर जो आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेशन के अलावा और भी डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, कार्बोनिल का नहीं लेना, और भी अदर आपके पाए जाते हैं, तो उसके अंदर 30 ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है आपके 4E7 होमो एनुलर कॉन्जुगेशन, यानी कि आपके पास अगर आपके पास होमो एनुलर कॉन्जुगेशन 2.5% है, ओके। आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है, साथ में उसके साथ और रिंग प्रेजेंट है, उस रिंग होमो एनुलर होनी चाहिए, यानी कि आपके पास उसी एक रिंग के अंदर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। उस कंडीशन में अपने को क्या करना है, उसके अंदर 39 nm ऐड कर देना है। फिर बात आती है कि अगर एल्काइल सब्सटेंस हो, उसके अंदर भी अल्काइल सब्सटेंस हो रहा था, 5 ऐड कर रहे थे, लेकिन इस प्रकार में अगर अल्काइल सब्सटेंस अगर अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कहीं दिखे, फिर उसके अंदर अल्फा यानी कि आपके पास क्या हो, अल्काइल सब्सटेंस हो, और वो पोजीशन जिसमें अल्फा पोजीशन पर अगर कोई आपके पास अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो तो 10 nm ऐड करना है, और अगर बीटा भी प्रेजेंट हुआ तो आपको 12 nm यूज ऐड करना है, और अगर आपके पास गामा और डेल्टा भी प्रेजेंट हुआ तो 18 nm यूज ऐड कर देना है, ओके। तो आप देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं किस तरीके से ऐड करना है आपने को। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये कोई एग्जांपल है हमारे पास, ऐसे गिवन एग्जांपल है, कार्बोनिल समूह दिख रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन दिख रहा है, तो इस कंडीशन में अपने को बताना है कि इसके अंदर क्या होगा, यानी कि अपने पास देखना है कि इसके अंदर आपके पास कितनी nm पर पीक प्राप्त होती है, ओके। तो वो देख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है कि कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है, कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है। अब अपने को डिसाइड करना है कि अल्फा कौन सा और बीटा कौन सा है, तो अल्फा ये हो गया और ये बीटा समूह हो गया। अब अपने को ये क्या साइड दिख रहा है, एसाइक्लिक दिख रहा है, यानी कि आपके पास एसाइक्लिक समूह, एसाइक्लिक के लिए यूज करना है कितना, 215 nm यूज करना है, तो लिखते जाओ एसाइक्लिक है 215। फिर अपने को दिख रहा है कि इसके अंदर अल्काइल समूह, यानी कि अब देखना है इसके अंदर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक, जब साइक्लिक ही नहीं है ये, तो एक्सोसाइक्लिक भी नहीं आएगा, है ना, तो ये से काटा मारो, ये नहीं आएगा और ये वैल्यू भी नहीं आएगी। सेकेंड है डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन, यानी कि डबल बॉन्ड होनी चाहिए एक अल्टरनेट पोजीशन में कॉन्जुगेशन, वो भी प्रेजेंट नहीं है, इसे भी काटा हुआ। थर्ड है फॉर ईच होमो एनुलर कॉन्जुगेशन, यानी कि आपके पास कोई रिंग होनी चाहिए, एनुलर का मतलब होता है रिंग, रिंग के अंदर डायन प्रेजेंट होना चाहिए डबल बॉन्ड, यानी कि 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, जब रिंग ही प्रेजेंट नहीं है तो ये भी आपके नहीं आएगा। अब बात आती है कि 4 अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, अल्काइल सब्स्टिट्यूशन देखना, तो अपने पास अल्काइल सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये हो गया बीटा पोजीशन पर अपने अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, तो अपने पास क्या करना है, बीटा पोजीशन पर लगाना है तो 12 ऐड कर देने, ओके, ले लो 12, साथ में एक एक और लगा हुआ है, 2 है तो 2 से इंटू कर दो इसे, तो ये हो गया 24 हो गया अल्काइल सब्स्टिट्यूशन। बीटा पोजीशन पर ही, बीटा पोजीशन पर अपन क्या यूज कर रहे थे, 12 यूज कर रहे थे, अगर गामा और डेल्टा पोजीशन आ जाए तो 18 यूज करना है, अगर अल्फा पोजीशन पर आ जाए तो 10 यूज करना है, ओके। अब देखो यहाँ एक गलती होने के चांसेस है, अब अपन यहाँ 2 ले लिए है ना, ये हो गया अल्फा बीटा, इसे अपन डेल्टा मानी, ओके। अगर आपके पास इस तरीके से कोई चेन है तो उसके अंदर कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन हुआ है अगर अल्फा कार्बन पर, अगर यहाँ अगर इसे हटा देते तो एच तो आता ही, अगर लेकिन यहाँ ये चेन तो बढ़ती रहती क्योंकि ये इसका ही पार्ट है, तो इसे तो अपन यूज़ नहीं करेंगे, जो इसके अलावा एक्स्ट्रा जो जुड़ा हुआ है या तो CH3 या तो ये सब्स्टिट्यूशन होगा, तो अपन केवल एक ही यूज़ करेंगे, 2 यूज़ नहीं करेंगे, ओके। तो यहाँ हो गया आपके पास एक अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, एक अल्काइल सब्स्टिट्यूशन के लिए अपन यूज़ कर रहे थे 12 nm, तो 12 आप क्या करो ऐड कर दो, ओके, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन 7 2 2, तो अपने पास टोटल वैल्यू आती है जब इस कंपाउंड की आप यूवी स्पेक्ट्रम रख लेते हो, यानी कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा एनालिसिस करते हो, तो इस कंपाउंड की पीक प्राप्त होती है 227 nm पर। 227 nm का मतलब हो गया आपके पास कोई ग्राफ दिया गया होगा, जैसे
तरीके से ग्राफ है, यहाँ आएगी लैम्डा मैक्स की वैल्यू, ओके। यहाँ आती है एब्जॉर्बेंस, इसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे भी किया जाता है, दोनों से कर सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिससे करना चाहो उससे करो। लैम्डा मैक्स की वैल्यू यहाँ से अपन 200 से स्टार्ट करते हैं और 800 तक यहाँ ले जाते हैं। अब अपने पास जो प्राप्त हुई है इसकी पीक 227 nm पर प्राप्त होती है, तो 27 nm पर यानी कि 200 के आसपास होगी, तो इस तरीके से ये पीक प्राप्त होती है आपके इस कंपाउंड की, कि आपके पास यहाँ मान लो 227 nm है, ओके। तो इस तरीके से वैल्यू ज्ञात करते हैं और इस तरीके से किसी भी कंपाउंड की अपन लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स देखते हैं कुछ। जैसे इस तरीके से कोई कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड में अपने को क्या करना है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, ओके। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्ञात करने से पहले देखना है कितने मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, तो कितनी वैल्यू ले रहे थे, 205। और अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है, अल्फा बीटा हो गए, ओके, कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन के लिए 205 हो गए एनएम। पहले तो अपने पास 6 मेंबर रिंग है, यानी कि बेस वैल्यू ये हो गई अपने पास बेस वैल्यू। अब अपने को देखना है कि इसके अंदर कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूशन है या नहीं, या एक्सो डबल बॉन्ड है या नहीं, नहीं एक्सो, क्योंकि ये रिंग कंप्लीट है, इस रिंग के कंप्लीट बाहर में, तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये कार्बोनिक समूह का प्रेजेंट है और यहाँ पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो नहीं है। तो अब अपने पास अल्काइल सब्स्टिट्यूशन के यही होगा एक, तो एक अल्काइल सब्स्टिट्यूशन किस पे प्रेजेंट है, बीटा पोजीशन पर प्रेजेंट है, बीटा पर अपन 12 यूज कर रहे थे। अब अपने को देखना है कि कौन सी रिंग प्रेजेंट है, या होमो एनुलर रिंग प्रेजेंट है, होमो एनुलर रिंग के लिए कितना यूज़ कर रहे थे अपन, 30 है ना, ये लो 30। अब ऐड कर देना अपने को कंपाउंड, ये हो गया होमो एनुलर, होमो एनुलर, होमो एनुलर के लिए 30 यूज कर रहे थे, ऐड करना है 5 6 7 3 1 4 और ये 2 7, यानी कि जो आपके पास दिया गया कंपाउंड है उसकी आपकी बेस वैल्यू आएगी 247 एनएम पर प्राप्त होती है, ओके। इस तरीके से अपन ज्ञात करते हैं, सॉरी होमो एनुलर के लिए लिया जाता है 39, ओके, तो 39 यूज करना है अपने को, तो कितना हो गया 6 1 3 4 6 3 4 5, ओके, 256 एनएम पर प्राप्त होती है इसकी वैल्यू, बेस वैल्यू, ये 239 यूज़ किया जाता है होमो एनुलर रिंग के लिए, अगर आपके पास कोई होमो एनुलर कॉन्जुगेशन डाइमिंग प्रेजेंट इस तरीके से, और आपके पास अगर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट हो, यानी कि आपके किसी भी आपके कोई पास रिंग है उसके अंदर, या आप बोल सकते हैं कि उसके अंदर अलग से कॉन्जुगेशन और प्रेजेंट हो, उसके लिए आपको क्या करना है, 30 यूज करना है, 30 एनएम यूज करने होंगे, ओके, एनएम। इस तरीके से वुडवार्ड फिजर रूल के द्वारा किसी भी कंपाउंड की अपन लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, ओके। ये थी अपनी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप की बात, कि इसके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर कुछ इफेक्ट्स, यानी कि सॉल्वेंट इफेक्ट होगा या नहीं, उससे पहले अपन देखने वाले हैं इसके अंदर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि आपकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी दोनों सिलेबस में है, ओके। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी अपन देखने वाले हैं, फिर देखेंगे इनके सॉल्वेंट इफेक्ट्स क्या होते हैं। सब में सॉल्वेंट इफेक्ट, जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें कुछ ना कुछ पार्ट सॉल्वेंट का रहता है, यानी कि सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ इफेक्ट तो रहता ही है, ओके। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे अपन, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है आपके आवर्त रेड, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी
स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है इंफ्रारेड, है ना, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त किरणें, जिसके अंदर जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर IR रेंज की किरणें यूज़ की जाती है उसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। देखो इन इस प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी में अपन क्या डिसाइड करने वाले, या तो रोटेशनल होगा या वाइब्रेशनल होगा, इस तरीके की ट्रांजिशन ही अपन डिसाइड करेंगे। इनसे डिसाइड करने से पहले अपन देखते हैं कि कुछ इसके यानी कि इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, उस पॉइंट्स के बाद में ही इनकी व्याख्या करेंगे। ओके, अपन देखने वाले हैं, पहले अपन देखेंगे कि IR रेंज कितनी होती है। ओके, कि IR रेंज किस तरह, यानी कि कहाँ से कहाँ तक अपन रेंज लें, और उसके फंक्शन देखेंगे ये क्या करती है। देखो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब होता है इंफ्रा रेड, है ना, यानी कि अवरक्त किरणें। ओके, और इसे कहा जाता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। ओके, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि IR जो रेंज है उस रेंज के अंदर क्या होता है, किसी भी बॉन्ड के अंदर केवल वाइब्रेट ही हो पाता है वो। ओके, तो उसके अंदर कोई ट्रांजिशन नहीं होता। ट्रांजिशन किस में हो रहा था, अगर आप UV स्पेक्ट्रम की यानी UV रेंज के किसी मॉलिक्यूल को लाइट दे रहे हो तो उसमें ट्रांजिशन होगा, और इस प्रकार के अंदर क्या होगा, केवल वाइब्रेट होगा वो मॉलिक्यूल। ओके, तो उसके अंदर कोई ट्रांजिशन होगा नहीं होगा, आपके पास कोई है मान लो कार्बन बॉन्ड, इस बॉन्ड में क्या होगा, वाइब्रेट ही होगा वो। ओके, इस तरीके से अगर वो वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेशन के द्वारा उसके अंदर बॉन्ड लेंथ के अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे ही कोई किसी में वाइब्रेट हुआ तो उसकी लेंथ या तो कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ओके, यही होगा। तो उसको अपन क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद में जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसे अपन बोलते हैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ओके, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अब बात आती है कि इसका इससे अपन आइडेंटिफिकेशन कौन कौन से कंपाउंड्स की चीज कर सकते हैं, कैसे कंपाउंड की आइडेंटिफिकेशन। देखो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा केवल अपन फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और किसी की नहीं है। ओनली जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहली बात होगी फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स की। और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, डाइपोल मोमेंट याद किया जा सकता है, डाइपोल मोमेंट याद किया जा सकता है। ये दो इसके मेजर फंक्शन है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज क्यों की जाती है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफिकेशन के लिए। मान लो आपके पास मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है कि डाइन हो, कोई पाई बॉन्ड, ये भी तो फंक्शनल ग्रुप ही है। साथ में हो सकता है एल्कोलेट समूह प्रेजेंट हो, या उसमें एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट हो, नाइट्रो समूह प्रेजेंट हो। इन समूहों की पहचान करने के लिए यूज़ की जाती है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। साथ में किसी मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट होता है, उस डाइपोल मोमेंट को अपन याद कर सकते हैं इसके द्वारा। अब इसका ग्राफ कैसा आता है, यानी कि अपन ने जब यूवी का ग्राफ देखा था वो आया था आपके एब्जॉर्बेंस प्लस वेवलेंथ के बीच में आया था। इसका ग्राफ आता है आपके इंटेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी के बीच आता है। ओके, इंटेंसिटी या ट्रांसमिशन और यहाँ होती है फ्रीक्वेंसी। ओके, म्यूबार इसमें आता है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज होती है 4000 से 400 सेमी इनवर्स। ओके, ये हो गई इसकी रेंज। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR किरणों की रेंज होती है 4000 से 400 सेमी इनवर्स तक रेंज होती है इसकी। ओके, फ्रीक्वेंसी यहाँ हो गई इसके अंदर, यहाँ फ्रीक्वेंसी नीचे रखी जाती है और अपन इंटेंसिटी ऊपर रख दो। यहाँ ट्रांसमिशन भी रख सकते थे, आपके लिए वहाँ एब्जॉर्बेंस रख रहे थे, यहाँ ट्रांसमिशन होता क्या है। देखो पहले आपके पास मान लो कोई टेस्ट ट्यूब है, है ना, टेस्ट ट्यूब में कोई सॉल्यूशन है ना, उसके अंदर अगर लाइट पास कर रहे हैं, लाइट पास करने के बाद में क्या होगा,
कुछ तो एब्जॉर्ब करेगा ही, यानी कि जो जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है या जो सॉल्यूशन अपना प्रेजेंट है वो कुछ तो इसका एब्जॉर्ब करेगा और कुछ पार्ट इसको बाहर करेगा। जो एब्जॉर्ब कर रहा था उसकी वजह से जो पीक प्राप्त हो रही थी वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हो रही थी। यहाँ क्या हो रहा है कि जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है, मान लो आपके पास ओनली वाटर प्रेजेंट है, उस वाटर में से प्योर वाटर प्रेजेंट है, प्योर वाटर में से अगर लाइट पास कर रहे हैं तो 100% लाइट दे रहे हैं जिसे, तो वो 100% ही आपकी क्या हो रही थी, बाहर रिमूव हो रही थी, यानी कि बाहर निकल रही थी। बट अगर आपके पास कलर्ड सॉल्यूशन आ जाए, जितना डार्क सॉल्यूशन होगा उतना ही एब्जॉर्ब करेगा लाइट को। अगर कोई सॉल्यूशन आ जाए, सॉल्यूशन आने की वजह से यहाँ क्या 50% एब्जॉर्ब कर दे, 50% ट्रांसमिट कर दे, उस 50% ट्रांसमिट करने पर जो ग्राफ प्राप्त होगा आपका, वो आपका होगा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और वो होगी आपकी फ्रिक्वेंसी। यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंसी, आपके पास इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, सेमी इन्वर्स में रखा जाता है यूनिट, और वो होती है 4000 से 400 सेमी इन्वर्स यूज़ की जाती है। ओके, अब इसमें IR के अंदर दो तरीके से इसकी रेंज, यानी कि इसे डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसका ग्राफ प्राप्त कैसा होता है, इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है, यानी कुछ तो आपके पास पीक होगी वो छोटी छोटी प्राप्त होगी, यानी बहुत ज़्यादा, यानी कि एक दूसरे पे मिली हुई होगी, कुछ पीक होगी कि उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होगी, यानी कि थोड़ी वो दिखने विजुअल होगी, यानी कि दिखेगी वो, और कुछ पीक्स होती है जो दिखती नहीं है, एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। जो आपकी इस तरीके से पीक प्राप्त हो रही है वो आपके वाइब्रेशन के द्वारा आती है, और जो आपके इसमें जो पीक हो रही थी कोई मॉलिक्यूल है उसमें रोटेशन भी होगा, उस रोटेशन की वजह से ऐसी पीक प्राप्त होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ये सब पीक्स के बारे में। ओके।